Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Shorts by Snigdha. So happy Durga Puja to you all and happy Navratri. So आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ नवरात्रि मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ. So चलिए let's get started. तो at first मैंने start किया है with the Blue Heaven primer and इसके पहले ना मैंने अपनी skin को exfoliate कर लिया था. So उसके बाद I'm using this Maybelline मैट फाउंडेशन एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 128 वार्म न्यूट एंड इसी को मैं एक डैम स्पंज के हेल्प से अपने पूरे स्किन पे डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी. सो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में रखा हुआ है ताकि मतलब जल्दी से आप लोग जो वीडियो है वो देख पाओ एंड ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी. सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट एंड इस कॉम्पैक्ट को मैं इस ब्रश के हेल्प से एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने पूरे फेस एंड नेक पे लगा लूँगी एंड आई एम यूजिंग वन ब्लैक आई शेडो क्योंकि मेरी जो आईब्रोज है ना वो थोड़ी सी ब्लैक साइड में हैं तो मैं अगर ब्राउन आई शेडो पाउडर यूज़ करती हूँ तो वो मुझ पर अच्छा नहीं लगता है. तो अगर आपके आईब्रोज थिक है ब्लैक है तो आप ब्लैक पाउडर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो. सो यहाँ पर मैंने अपना आईब्रोज जो है फिल कर लिया है एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज आई शेडो एंड मैंने एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से अपने आईलिड पे इसे प्लेस कर रही हूँ जहाँ पर मेरा क्रीज है एंड मैं यहाँ पर फ्लैट आई शेडो ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर लेती तो ज़्यादा फैल जाता. सो इस वजह से आई एम यूजिंग दिस फ्लैट आई शेडो ब्रश एंड इसे आप देख सकते हो आई शेडो जहाँ पर लगना होता है वहीं पर लगता है, ज़्यादा फैलता भी नहीं है. सो आप देख सकते हो मैं इससे अपना क्रीज जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ. वैसे इस वक्त मेरा आई इन्फेक्शन हो रखा है लेफ्ट आई में जहाँ, लेकिन मैं ये लुक जो है करना चाहती थी सो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ. सो नाउ आई एम टेकिंग दैट ब्राउन आई शेडो एंड इसको भी मैं अपने जो है ऑरेंज आई शेडो के ठीक नीचे लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी सेम ऑरेंज आई शेडो लगा लूँगी एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस शिमरी शेड एंड दिस इज गोल्डन शिमरी शेड एंड इसको मैं अपने आईलिड पे प्लेस कर लूँगी. तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लुक ये प्रोवाइड कर रहा है. बहुत ही ईजी सा सिंपल सा ये आई लुक है, आप लोग ईजिली इसे क्रिएट कर सकते हो. नाउ आई एम यूजिंग ग्लिटर क्योंकि पूजा में ग्लिटर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तो ग्लिटर को मैं अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से अपने आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ. तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से प्लेस हो जाता है, इसमें आपको अलग से ग्लू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से ब्लेंड मतलब लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा जहाँ पे भी बच जाता है वहाँ पर मैं एक स्मॉल आई शेडो ब्रश के हेल्प से वहाँ पर मैं ग्लिटर्स को जो है वो प्लेस कर रही हूँ. सो इसी तरह से प्लेस करने के बाद ये आई लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. नाउ आई विल यूज़ दिस लैक्मी आई लाइनर इंस्टा आई लाइनर, ये मेरा फेवरेट आई लाइनर है. सो इसके हेल्प से मैं अपनी आई लाइनर जो है वो ड्रॉ कर लूँगी एंड यहाँ पर थोड़ा सा थिक आई लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड थोड़ा सा आई से बाहर ले जाऊँगी क्योंकि पूजा में थोड़ा सा बोल्ड आइज दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मैं अभी अपने आई लैश के नीचे मतलब लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा सा हाफ आई लाइनर लगा रही हूँ. मुझे इस तरह का लुक बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप लोग देख पाओगे कि नेक्स्ट लुक में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मतलब आगे जाके. सो अभी मैं कंटूर के लिए यूज़ कर रही हूँ सेम मेरा आई शेडो पहले ना उसमें से ब्राउन कलर का शेड लेके मैं अपने नोज़ को कंटूर कर रही हूँ एंड नाउ अपने चीक बोन्स को अपने जॉ लाइन्स को अच्छे से मैं कंटूर कर लूँगी एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फेस स्कल्प्टेड दिखता है, अच्छा लगता है देखने में, नहीं तो फेस जो है ना पूरा फ्लैट लगता है. सो इसके बाद आई एम यूजिंग दिस टेकवे की ब्लश एंड ये जो ब्लश है ये थोड़ा सा ब्राउन शेड में है तो ये भी थोड़ा सा आपको ब्रॉन्जी काइंड ऑफ लुक प्रोवाइड करता है. सो इससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज्ड अप कर लूँगी एंड इसके बाद आई विल यूज़ दिस ब्लश एंड ये जो ब्लश है वो पिंक कलर में है. सो पिंक कलर का ब्लश मैं अप्लाई कर लूँगी अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे एंड
गया। तो आप देख सकते हो ये जो लुक है काफ़ी ब्यूटीफुल टर्न आउट हो रहा है एंड बहुत ही ईजीली मैं इसे कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। नाउ आई एम टेकिंग दिस हाईलाइटिंग शेड एंड एक फैन ब्रश के हेल्प से मैं अपने नोज को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एंड ये मैंडेटरी है तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड उसके बाद अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी इसी फैन ब्रश के हेल्प से। तो फैन ब्रश के हेल्प से हाईलाइट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि जहाँ पर जितना ज़रूरत होता है उतना ही ये लगता है। सो अपने फिंगर के हेल्प से अपने आईब्रोज के नीचे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगा लूँगी एंड थोड़ा सा ऊपर भी लगा लूँगी। एंड देन एक रेड लिपस्टिक मैं यहाँ पर वेयर कर रही हूँ एंड उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स आईलैशेस लगा लिया है एंड नाउ मैं अपने लोअर लैश को भी अच्छे से मस्कारा से कोट कर लूँगी। सो इसी तरह से ये जो लुक है वो कंप्लीट होता है एंड इस लुक को आप डेफिनेटली पूजा में कैरी कर सकते हो अष्टमी के दिन एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नवरात्रि में भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल।